पितृभक्त सोम शर्मा। बच्चों, बहुत वर्ष पहले की बात है, एक गांव में शिव शर्मा नामक एक धर्मात्मा रहते थे। धार्मिक वृत्ति होने के कारण वह तप योग करते थे। उनके पास अमृत से भरा हुआ एक घड़ा भी था जिसकी वे रक्षा करते थे। शिव शर्मा जी के 5 पुत्र थे। 5ों पुत्र भी धार्मिक थे। सत्कर्म करके शिव शर्मा जी के 4 पुत्र गोलोक धाम चले गए। 4ों पुत्रों के जाने के बाद शिव शर्मा जी ने अपने छोटे पुत्र सोम शर्मा को अमृत के घड़े की रक्षा करने के लिए कहा। अमृत का घड़ा अपने पुत्र के पास लेकर वह स्वयं पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा करने चले गए। 10 वर्ष बाद शिव शर्मा जी अपने पुत्र के पास लौटे। पुत्र की परीक्षा लेने का विचार उनके मन में आया। उन्होंने पत्नी सहित कोड़ी का रूप धारण कर लिया। उन दोनों के पूर्ण शरीर पर भयंकर कुष्ठ हो गया जिसके कारण पूरे शरीर पर घाव हो गए थे और उससे रक्त भी निकल रहा था। उनके शरीर में बहुत दुर्गंध भी आ रही थी। माता पिता को देखकर सोम शर्मा उनके चरणों में गिर पड़े। माता पिता को होने वाली पीड़ा देखकर वे बहुत दुखी हुए। सोम शर्मा ने माता पिता के घावों को अच्छे से धोया, उन्हें स्वच्छ किया और कोमल बिछौने पर उन्हें बिठाया। अपने माता पिता की सेवा सोम शर्मा बड़े परिश्रम से करते थे। दिन भर वह माता पिता की सेवा करते थे, उनके मल मूत्र और कफ भी धोते थे, अपने हाथ से उनके चरण दबाते, उनके रहने का, स्नान करने का, भोजन करने का प्रबंध बड़ी सावधानी से करते। माता पिता को अपने दोनों कंधों पर बिठाकर सोम शर्मा तीर्थ क्षेत्र भी लेकर जाते थे। वहां पर नित्य कर्म, हवन, तर्पण, देव पूजन आदि करते हुए माता पिता की सेवा भी करते थे। सेवा में कोई त्रुटि न रहे इसका पूरा ध्यान रखते थे। माता पिता के लिए उत्तम भोजन, सुंदर वस्त्र का उपयोग करते थे। माता पिता की जैसी इच्छा होती सोम शर्मा वैसे ही करते थे। हमेशा उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते रहते थे। परंतु पिता शिव शर्मा उनकी परीक्षा ले रहे थे, इसके लिए वे सोम शर्मा से बड़ी कठोरता से बात करते थे। उसे बार बार झिड़कते थे, तिरस्कार करते थे और डंडों से पीटते भी थे। परंतु पिता की इन कृत्यों पर सोम शर्मा ने कभी क्रोध नहीं किया। वह पूरे मन से उनकी सेवा करते थे, उनसे अच्छी बातें करते थे और अपनी कृति से पिता की पूजा ही करते थे। एक दिन शिव शर्मा जी ने अपने पुत्र को बुलाया और बोले, बेटा, मैंने तुम्हें रोगनाशक अमृत दिया था, उससे लाकर मुझे दो, मैं उसे पीना चाहता हूँ। सोम शर्मा अमृत का घड़ा लाने गए, तब उसमें एक बूंद भी अमृत नहीं था। यह देखकर मन ही मन सोम शर्मा बोले, यदि मैंने सत्य की राह पर रहकर गुरु की सेवा की है, निश्चल भाव से तप किया है, यदि मुझे किसी बात का अहंकार नहीं है, पवित्रता रखने का प्रयास किया है और सभी कर्तव्यों का पालन किया है, तो यह घड़ा अमृत से भर जाए। ऐसा कहकर सोम शर्मा ने जैसे ही कलश की ओर देखा तो घड़ा ऊपर तक अमृत से भर गया। बड़ी प्रसन्नता से घड़ा लेकर सोम शर्मा अपने पिता के पास गए। अनेक दिनों तक सोम शर्मा की परीक्षा लेने के बाद सोम शर्मा पर उसके पिता प्रसन्न हो गए। पुत्र पर प्रसन्न हुए शिव शर्मा जी ने पत्नी के साथ कोड़ी का जो कृत्रिम रूप धारण किया था उसे छोड़ दिया और पहले के समान स्वस्थ रूप धारण कर लिया। सोम शर्मा ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। अपने तप और योग के प्रभाव से शिव शर्मा भगवान विष्णु के